हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे शहडोल में सिर्फ एक रात में इतनी ना ज़्यादा बारिश हो गई कि यहाँ पास बाढ़ जैसा सीन हो गया देखने के लिए। और यहाँ पास आप ब्रिज देख सकते हैं, ब्रिज पहले कितना ज़्यादा सूखा था और यहाँ पास तो पहले पानी भी नहीं रहा करता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इतना ना ज़्यादा बारिश हो गया है कि यहाँ पास पूरा बाढ़ जैसा हो गया है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड बारिश हो गई है और सिर्फ एक रात में, वो भी 11 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है और 11 बजे से लेके अभी आप देख सकते हैं सुबह के अभी 8:30 बज रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बीच में अभी बंद हो गई थी और ये देखिए एकदम बाढ़ जैसे हो गया। लोग आ रहे हैं इधर उधर से देखने की कितना ज़्यादा पानी भर गया। वो देखिए अभी भैया जी लोग हाई भी किए, बहुत पानी भर गया था और गाँव वाले लोग का जो आना जाना शेड्यूल में रहता है वो भी बंद हो गया। और ये देखिए पानी कितना ज़्यादा उफान में है। तो ये अब आपको हम दूसरी जगह ले चलते हैं। ये तो हमारे घर के पास शेडोल मुंडा नदी पचगांव रोड वाला है और देख लीजिए आप कितना ज़्यादा बाढ़ जैसा पानी लग रहा है। अगर कोई गिर गया पानी में तो बचने वाले नहीं है। देखिए अभी हम ब्रिज के दूसरे साइड आ गए हैं और ये पुराने वाले ब्रिज के पास से हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं और बाढ़ का पानी देख लीजिए आप कितना, एक तरह से इसको बाढ़ ही कह सकते हैं। पूरे रात में इतना ज़्यादा बारिश हो गया है, इतना ना ज़्यादा बारिश हुआ कि ऐसा पानी भर गया है पूरे शहडोल में। जितनी भी नदी है सारे नदी में पूरे ओवरफ्लो हो गए हैं और यहाँ पास आप देख सकते हैं अगल बगल जिनके खेत थे वो सब में भी पूरा पानी भर गया। और ये हम आपको पुरानी वाली ब्रिज से दिखा रहे हैं और ये दोनों ब्रिज के, जो अभी नई वाली ब्रिज बनी और पुराने ब्रिज के बीच से दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको दूसरे जगह ले चलते हैं और वहाँ की नदियाँ दिखाते हैं। हम लोग आ गए थे कल्याणपुर मुंडा नदी और यहाँ पास देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पास भी धार तेज है और ये न्यू ब्रिज है। और आप पहले देख लीजिए यहाँ पास कैसे सूखा पड़ा रहता था, यहाँ पास पहले पानी भी नहीं था ब्रिज में, सिर्फ थोड़ी बहुत पानी थी ब्रिज के नीचे जो नदी है। और अभी यहाँ पास इतना तेज़ उफान बारिश हुआ है यहाँ कि इतना तेज़ उफान में यहाँ पानी निकल रहा है। आप देख लीजिए कैसे फव्वारे मार रहे हैं, एकदम लग रहा है कि पूरा बाढ़ आ गया है, विकराल रूप दिख रहा है पूरा पानी का। और यहाँ पास आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग सब कोई आ रहे हैं देखने कि नदी में कितना पानी भर गया है। और ये देखिए जो वो दूसरे साइड से पानी आ रहा है तो इस साइड कैसा निकलते हुए दिख रहा है। और ये रहा शिव मंदिर जो कि ये भी पूरा डूब चुका है। अब हम आपको इसका पुराना फ़ोटो दिखाते हैं, आप देख के बताइएगा। ये देखिए यहाँ पास पहले पूरा सूखा हुआ था और कितना नीचे है नदी इससे ये देखिए, और फिर भी इतना बारिश हुआ है। सिर्फ एक रात की बारिश में ये पूरा भर चुका है और अभी सब कोई की स्कूल की छुट्टी हो गई है, मतलब स्कूल सब कोई गए हैं। फिर कलेक्टर मैम का नोटिस आया तो सब कोई अब घर जा रहे थे। और ये देखिए पानी में ये लकड़ी बह रही है, इतने बड़े बड़े पूरे डायरेक्ट पेड़ भी बह जा रहे हैं और ये सारे बच्चे स्कूल वाले वैन वाले बस वाले सब कोई घर जा रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पास अभी हम लोग आ गए थे सम्राट विहार, यहाँ पास भी जो ब्रिज था वो भी पूरा डूब चुका था। और उस साइड दूसरे साइड ब्रिज के कोल माइंस है जहाँ से जो कोल माइंस के वर्कर्स थे वो सभी इस साइड आ भी नहीं पा रहे थे, जो भी था रास्ते में सब कोई वहीं पास बंद हो गए थे, जो जहाँ था वहीं पूरे सब कोई रुक गए थे। और ये देखिए पूरे रोड तक में पानी आ गया है, ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा पानी, इतना ना ज़्यादा भर गया कि गाँव के लोग इस साइड नहीं आ सकते थे। लौट रहे थे तब यहाँ पास देखिए पानी में एक बड़ा सा पूरा डायरेक्ट पेड़ बह जा रहा था, तो अब हम लोग उसी के पीछे पड़ गए थे कि वो पेड़ हम आपको दिखा दें। वैसे हम तो आपको पानी दिखा रहे थे कि यहाँ तक ये जो दुकान बन रहे हैं ये यहाँ तक पूरे पानी भर चुके थे, मतलब रोड तक। अगर थोड़ी और ज़्यादा बारिश होती ना तो ये पानी जो था ये रोड तक आ सकता था, रोड के पूरे किनारे तक। और ये देख लीजिए पूरा ये पेड़ बहे जा रहा है पानी में, आप समझ सकते हैं इतने बड़े जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ है, इसको देख के आप समझ सकते हैं यहाँ शहडोल में आज कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। और शहडोल रेलवे स्टेशन में जो पटरी है ना वहाँ तक पूरा पानी भर गया था। और यहाँ पास कोई काम वम चल रहा था, डैम बना था उसका काम चल रहा था, तो वहाँ पर जो घर और बनाए थे वो भी पूरा डूब चुका था। और ये आप जेसीबी देख सकते हैं जो पूरे पानी में समा गया है,
तो अब हम आपको ले चलते हैं अपने घर के पास, भुई बांध स्कूल है वो साइड। तो ये देखिए ये पूरा वो जो आपको वाइट कलर का स्किन दिख रहा है वो भुई बांध स्कूल है, और यहाँ तक पूरा रोड में पानी भर चुका है और स्कूल के अंदर और यहाँ के घरों तक में पूरा पानी भर गया। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग, बाय।